हाय अर्जुन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। और आप दोस्त, आपको हम बहुत बार बार बोल रहे हैं कि यह जो आपके लिए, विश्व के लिए संकट का घड़ी है, यदि स्टूडेंट चाहे तो अपने इस चीज को पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव बन सकते हैं और बहुत अच्छे तरीका से अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। बोलने पर आप किताब से लड़े, नॉट कोरोना। बाहर जाइएगा तब तो कोरोना से लड़िएगा, आपको कोरोना से जाना ही नहीं है बाहर, तो आपके लड़िएगा क्यों कोरोना से। आप अपने घर पर रहिए और किताब से दोस्ती कीजिए और किताब से पढ़िए, ओनली फॉर स्टडीज। चलिए ठीक है, आइए दोस्त आगे बात करते हैं। मैट्रिक्स का सबस्ट्रैक्शन मतलब आपको होगा घटाव, कि मैट्रिक्स का जो होगा घटाव। हम लोग आगे पढ़ेंगे अब सबस्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहां ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का घटाव, दो मैट्रिक्स का घटाव। मैट्रिक्स का हिंदी अवयव होता है, अवयव का घटाव। आइए देखिए कैसे हम घटाते हैं। क्वेश्चन आपका होगा, इफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 2, 1, 3, 0, 1, 2। यह दो मैट्रिक्स है, आपको कहेगा घटाइए, सबस्ट्रैक्शन निकालिए। किस तरीका से, क्वेश्चन का यहां ध्यान दीजिएगा, 2b-a, 2a-b बराबर हुआ, या आपसे पूछ रहा है कि 2a-b, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, a से 2 में गुना करना है, उसके बाद b से घटा देना है। सर ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कि 2a-b, मतलब a बराबर दे दिया है, b बराबर दे दिया है, आपको 2 से a में मल्टीप्लाई करने के बाद b को 2a में से घटा देना है। वही आइए देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन में लिखिएगा हेयर, हाँ क्या कहें आपका हेयर, जो दिया गया है वो लिख दीजिए, a बराबर दे दिया है यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर आइएगा b बराबर दे दिया गया है 2, 1, 3, 0, 1, 2, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है क्या, इसीलिए 2a-b बराबर क्या होगा, तो 2 और a के जगह उसका मैट्रिक्स लिखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फिर माइनस कितना है b, तो 2, 1, 3, 0, 1, 2, ठीक है। आइए 2 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 3 × 6, 4 × 8, 5 × 10, फिर 6 से 2 में गुना कीजिएगा 12, 14, 16। यह भी देखिए आपको हम बताया है कि यदि आपको जोर होगा तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तभी जोर आप संभव है, यदि घटाव होगा तो सेम ऑर्डर का घटाव है तभी संभव होगा, नहीं तो नहीं। जो दोनों मैट्रिक्स होगा वह सेम ऑर्डर। सर सेम ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, कि यदि यह 2/3 का है तो जो घटाने वाला वह भी 2/3 का होना चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर। यदि यह 3/4 का है तो वह भी 3/4 का होना चाहिए, यदि आपका अलग अलग ऑर्डर का है तो नहीं घटाव संभव है और नहीं जोर संभव है, और जिस प्रकार से आप जोर करते थे उसी प्रकार से आपको घटाव करना, सिर्फ क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट के साथ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, जो उसके सामने होगा सेम स्थान पर होगा, सेम पोजिशन पर होगा, उसी के साथ उसका घटाव होगा, सबस्ट्रैक्शन होगा, जोर होगा, समझे। और आपको गुना करना है किसी स्केलर पटक से, मतलब 2 से 3 से 4 से, तो आपको क्या करना होगा कि सभी को एलिमेंट, अंदर जितने भी एलिमेंट बैठे सबको गुना करना चाहिए, समझे। आइए देखिए घटाते हैं हम यहाँ पर, फिर क्या है माइनस 2, 1, 3, 0, 1, 2। आइए सेम टू सेम सामने वाला से देखिए, 6 के सामने क्या है, 2 है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 10 में से 3 घटेगा तो फिर 7 होगा। ध्यान से देखिएगा क्या है आपका, देखिए यहाँ पर अभी क्या है, 6 में से 2 घटा तो 4, 8 में से 1 घटा तो 7, 10 में से 3 घटा तो 7, फिर 12 में से 0 तो 12 रहेगा, 14 में से 1 तो फिर आपका 13 हो जाएगा, 16 में से 2 तो आप समझ सकते हैं 14 होगा,
यही आपका आंसर हो गया, समझे। तो जब भी आपको कहे कि क्या है, आपको सिर्फ घटाव करना है, तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, संगत एलिमेंट के साथ आप घटा दीजिए, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से आप जोड़ करते थे उसी प्रकार से, तो आपका जो केसी सिन्हा का आया 5.1 होगा, वो एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे पूछेगा कि कितना रो होता है, कितनों कॉलम होता है, क्या भाई कय का है, 211 एलिमेंट कहाँ है, कितने एंट्रीज होते हैं, मतलब एलिमेंट, समझे। यही सिर्फ आपसे पूछेगा, टोटल एलिमेंट कितना है, 12 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स को हम कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसका जोड़ क्या होगा, घटाव क्या होगा, इससे अधिक आपको 5.1 केसी सिन्हा के बुक में इससे अधिक आपको नहीं पूछेगा। आप एनसीईआरटी भी बना सकते हैं केसी सिन्हा, या किसी भी बुक को आप मैट्रिक्स निकाल कर फर्स्ट चैप्टर आप आराम से बना सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या है, फिर हम आगे की बात करते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम आपके बुक से, जो केसी सिन्हा बुक का होगा, ठीक है। आपको क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूट कहेगा निकालिए, मान निकालिए, ये है वो है, बस कुछ नहीं। देखिए आइए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपका लगभग क्या पूरा या थ्योरी आपका खत्म हो गया, 5.1 आप बना सकते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कंप्यूट द फ्लोइंग, क्वेश्चन है आपका केसी सिन्हा ने 18 का 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, फिर है यहां पर sin स्क्वायर x, फिर है cos स्क्वायर x, फिर है आपका प्लस, ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर x, फिर आपका cos स्क्वायर x, फिर उसके आगे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ध्यान से देखिएगा। आपका कुछ नहीं, सीधा बोला है कंप्यूट, कंप्यूट मतलब क्या होता है, मान निकालिए, कंप्यूट मतलब होता है मान निकालिए। इस मैट्रिक्स का क्या कर आपको मान निकालिए, क्या वो मैट्रिक्स है, दो, कितना है, कितना का 2/2 का है, दोनों मैट्रिक्स 2/2 का सेम ऑर्डर का, तभी तो हमको जोर पूछ रहा है। ओनली जोर संभव है आपका कब, जब सेम टू सेम ऑर्डर का होगा, तब दोनों सेम ऑर्डर का होगा, तब हम जोर भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। आइए देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ, यहाँ पर आप जैसे जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स, फिर आपका सेकेंड एलिमेंट देखिए साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स के साथ फिर कॉस स्क्वायर, यह एक्स है, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर x के साथ आएगा आपका क्या sin स्क्वायर x, बस यही है। फिर आप क्या कीजिएगा इसको, यहाँ पर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा, 10th वाले गुरुजी को आप याद दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आपको पढ़ाए होंगे बहुत अच्छा से, क्या होता है 1, बस वेरी गुड। आइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो आपको ये मान रख देना है कि sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x बराबर 1, तो यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा 5.1 केसी सिन्हा बुक का, तो आपको क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप आराम से हल कर सकते हैं सभी सवाल को, जहां दिक्कत होगा प्रॉब्लम बैच हम फिर अगले वीडियो में डालेंगे, उसका पूरा जो भी आपको दिक्कत होगा वो सब आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कॉल करके, आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर होगा, थोड़ा भी संकोच नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आई थैंक यू फॉर योर फ्रेंड्स, फिर आगे करते हैं।